टीबी ट्यूबरकुलोसिस ये इन्फेक्शियस डिसीज है। टीबी की वजह से जो ऑर्गन डैमेज होता है वो लंग्स है, मतलब जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन इफेक्ट होता है वो लंग्स है। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस, ये दो बैक्टीरिया है जो टीबी को कॉज करते हैं। और ये जो टीबी है ये एयरबोर्न डिसीज है, मतलब कि एयर की वजह से ये एक दूसरे में फैलता है, ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फैलता है। जब हम बात करते हैं, छींकते हैं, उस वजह से जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है और एक दूसरे से कॉन्टेक्ट होके एक दूसरे को इन्फेक्ट करती है, ये इन्फेक्शियस डिसीज है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इन 1940 डेवलपमेंट ऑफ पैरा अमीनो साइलिसिलिक एसिड, इन 1943 डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटीज, इन 1951 डेवलपमेंट ऑफ आइसोनिजाइड, इन 1959 डेवलपमेंट ऑफ रिफेम्पेसिन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट आइसोनियाजाइड, इथेम्बुटोल, पैराजिनामाइड, एथियोनामाइड, पैरा अमीनो साइलिसिलिक एसिड। पैरा अमीनो साइलिसिलिक एसिड फर्स्ट डिस्कवर एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है, ये सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है। और एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रिफेम्पिसिन, रिफाब्यूटीन, साइक्लोसेरीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन सल्फेट, ये सारे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट हैं। एक बार फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज फॉलो। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जो फर्स्ट लाइन फर्स्ट चॉइस ड्रग होते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, वो आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन, पैराजिनामाइड, इथेम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग्स जो हैं वो पैरा अमीनो साइलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, केनामाइसिन, एमिकासिन, साइक्लोसेरीन। अभी जो न्यूअर ड्रग्स डिस्कवर हुए हैं वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन, ओल्फ्लॉक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटीन। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, इनके बारे में हम पार्टिकुलर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आइसोनियाजाइड ये डिस्कवर हुआ है 1912 में, यूज फॉर फर्स्ट लाइन ड्रग्स, नॉट फॉर ट्रीटिंग एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस बिकॉज इट्स डेवलप रेजिस्टेंस, मतलब इस जो एक्टिव बीमारी है, एक्टिव डिजीज है, उस केस में हम इसे नहीं दे सकते क्योंकि ये जल्दी डेवलपमेंट रेजिस्टेंस काज कर देता है। इसका मैकेनिज्म आप जो एक्शन है, ये पहले तो प्रोडक्ट्स है जो कन्वर्ट होता है एक्टिव ड्रग्स में, एक्टिवेटेड बाय बैक्टीरियल कैटेलेज पर ऑक्सीडेज एंजाइम, ये इसको आइसोनियाजाइड से कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में। ये सेल वॉल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ मायोलिनिक एसिड, ये जो मायोलिनिक एसिड है ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम इसका सिंथेसिस इनहिबिट करा देते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। आइसोनियाजाइड का हम सिंथेसिस देखते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है 4-pyocholine, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये बनता है आइसोनिकोटिनिक एसिड। फिर इसका हम रिएक्शन कराते हैं एथाइल एल्कोहल और स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, तो बनता है इथाइल ईस्टर। और फिर इसको हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हाइड्रेट से, जो कन्वर्ट हो जाता है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड का यूज क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, और इसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट जो होता है डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट होता है इसका। अगर हम किसी ड्रग्स का कंसंट्रेशन, मतलब ड्रग्स का डोज ज़्यादा देते हैं
उसका इफेक्ट साइड इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, कम देते हैं तो कम साइड इफेक्ट मिलेगा। ये एलर्जिक रिएक्शन काज करता है, रैश हो जाएगा, स्किन पेपर रेड रेड आ जाएगा, और ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब आँख में भी इन्फेक्शन कर सकता है।